एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ई बैटरी टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। यात्रियों के लिए ई बैटरी टैक्सी सेवाएं निशुल्क हैं। ये टैक्सी सर्विसेज यात्रियों को ड्रॉप गेट से उठाएंगी और एयरपोर्ट के अंदर छोड़कर आएंगी। उनका ट्रायल आज से शुरू हुआ है। ये ट्रायल 5 दिन तक चलेगा। एयरपोर्ट के गेट पर काफी जाम रहता है और इस जाम को दूर करने के लिए ई बैटरी टैक्सीज की शुरुआत की गई है। बहुत बढ़िया सर्विस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी पैसेंजर हैं जो कि पैदल यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो फ्री सर्विस है, बहुत बढ़िया है यात्रियों के लिए। इससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है, इससे बहुत यहाँ से आप ट्रैफिक जाम कहाँ तक हो जाएगा, बहुत सहूलियत आ जाएगी सब में। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा कस्टमर को। जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी बहुत जाम होता था, टाइम भी ज़ाया हो जाता था, तब तक फ्लाइट भी मिस हो जाती थी। इससे अब जल्दी हो जाएगा सब कुछ, टाइम भी बच जाएगा। जो यहाँ किसी के पास तो गाड़ी नहीं होती थी वो यहाँ से पैदल जाते थे, उसको बहुत टाइम लगता था यहाँ से। आज जो बहुत सुंदर आपने जो बैटरी का व्हीकल एयरपोर्ट में शुरू किया है, बहुत अच्छी सेवा है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। पैसेंजर को जो एजेड हैं, जो हैंडीकैप है, जो विकलांग है, उनके लिए बहुत फायदा होगा। और जो हमारी आईवी न्यूज 18 की जो कश्मीर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी मीडिया और जो कवर कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक क्या होता था कि यहाँ तक अभी हमने देखा कि बाहर तक पैदल जाना पड़ता था, पर अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अभी ये गाड़ी की ओपनिंग हुई बैटरी वाली की, अब वो व्यवस्था के कारण हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा और बैटरी की गाड़ी के कारण सामान ज्यादा होने के कारण बाहर तक ये सुविधाएं बहुत सुंदर जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा प्रदान की। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के आगमन में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। प्रबंधन बिल्डिंग में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने जा रहा है। यात्रियों को सुविधा देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार कोशिशें कर रही है। ये बातें श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक जावेद अंजुम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कही। श्रीनगर एयरपोर्ट में गुज़श्ता कई वर्षों से कई तरह की डेवलपमेंट हुई है और आज एक और नई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन होता था, ट्रैफिक जाम होता था और उस ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर ई कार्ट सर्विस शुरू की गई है। यानी अब पैसेंजर यहाँ आएंगे, अपनी गाड़ी से यहाँ पर उतरेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट की ये फैसिलिटी इख्तियार करके इस्तेमाल करके फिर वो अपना जो है आगे का सफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जावेद अंजुम जी है, आज ही उन्होंने नए डायरेक्टर एयरपोर्ट के तौर पर चार्ज संभाला है, इनसे मजीद बात करेंगे। सर, मकसद जानेंगे इसका, कब से ये शुरू होगा और इससे क्या क्या फायदे होंगे? मकसद ये है कि आप के जो भी पैसेंजर्स यहाँ आते हैं उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए ई कार्ड सर्विस रखी गई है, वो यहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप व्हीकल ड्रॉप कर सकते हैं, व्हीकल को छोड़ सकते हैं और लगेज को फ्रिश करा के ई कार्ड सर्विस की फैसिलिटी अवेल करके यू कैन गो टू एयरपोर्ट, विच इज़ ए कम्प्लीटली फ्री सर्विस। अभी हम फिलहाल चार्ज कार्ड्स को ट्रायल बेसिस पे वी आर पुटिंग इट टू ऑपरेशन एंड वी विल सी द रिस्पॉन्स। इन केस रिस्पॉन्स इज गुड, वील डेफिनेटली एड ऑन टू मोर कार्ड्स इन द सर्विस। सर बिल्कुल, इट विल डेफिनेटली हेल्प द पैसेंजर। मुझे बताइए, क्योंकि आज से ये ट्रायल बेस चलेगा, कितने दिनों तक रहेगा और अगर सक्सेसफुल होगी, क्योंकि चार ई कार्ड आपने इंट्रोड्यूस, उसके बाद कितने होंगे? अभी फिलहाल चार हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग मोर। ये हम 4-5 दिन रखेंगे, 5 दिन तक रहेगा और 16 से रेगुलर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो कितना इंक्रीमेंट आप करेंगे कार्ड्स में? इट विल बी फ्रॉम 4 to 6 इनिशियली एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द रिस्पॉन्स वी विल इंक्रीज इट लेटर ऑन। सर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा है, क्या आपको लगता है इतना कम ई कार्ड या अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेज कर पाएगी इतने ई कार्ड सारे पैसेंजर को अफोर्ड कर गई? देखिए, सभी तो यूज मुझे नहीं लगता करेंगे, बिकॉज काफ़ी लोग अपनी गाड़ी में लेके सामान लेके आते हैं और उनको छोड़ने वाले भी काफ़ी लोग गेट तक पूरा टर्मिनल तक जाना चाहते हैं, जितने भी यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाट आई सेड इट इज़ हाउ वी गेट द रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे को, जिस तरह का फीडबैक मिलेगा, अकॉर्डिंगली वी विल इम्प्रोवाइज ऑन। सर, क्योंकि आज आपने नए डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का चार्ज संभाला है, क्योंकि कई सारे इश्यूज है, हालांकि कई सारे हल भी हुए हैं, तो क्या कुछ मजीद आप डेवलपमेंटल प्लान लेके आए हैं ताकि पैसेंजर्स को, खासकर टूरिस्ट को और फायदा मिले यहाँ? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, टर्मिनल बिल्डिंग इज अंडर एक्सपेंशन,
क्योंकि अभी कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट भी है और देर आर ऑलरेडी सम प्लान्स चॉक्ड आउट। इंशाल्लाह वो जल्दी एक दो साल में आप देखिएगा काफ़ी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली, अभी प्लान्स फ्रीज होने में इशू टाइम लगता है। सर फाइनल सवाल, क्योंकि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लोगों की लगातार ये शिकायत रहती है कम फ्लाइट्स डायरेक्ट फॉरेन या दूसरे ममालिक जाते हैं, तो आने वाले वक्त में कितना कितनी फ्लाइट्स दूसरे ममालिक जा सकती है? देखिए दैट हैज़ टू बी सीन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक है लेकिन उतना ट्रैफिक भी नहीं बोल सकते कि जो कि एक फ्लाइट में रेगुलर फ्लाइट का ट्रैफिक, एंड दैट टू इट इज़ अ सेग्रीगेटेड ट्रैफिक कुछ यूरोप का, यूएसए का, मिडल ईस्ट का, और दैट विज ऑफ कोर्स अंडर द विद दिस इज आल्सो ऑलरेडी अंडर द स्कैनर और सब लोग उसको समझ रहे हैं। जो ही जैसे भी गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ से हमारे को ट्रैफिक मिल रहा है तो ये डेफिनेटली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे जावेद अंजुम जिन्होंने आज ही डायरेक्टर एयरपोर्ट का चार्ज संभाला है, क्योंकि आज यहाँ पर ट्रायल बेस पे इकार्ड सर्विस शुरू होगी। मकसद यही है यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं उनको यहाँ पर वेट ना करना पड़े ट्रैफिक जाम में वो न फंसे, और यहाँ पर इकार्ड सर्विस चुकी है, फ्री सर्विस है। फिलहाल ट्रायल बेस पे ये 5 दिन चलेगी, अगर ये सक्सेसफुल हुई उसके बाद इसे पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। आबिद हुसैन, News 18 श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर आर्ट गैलरी में कला प्रदर्शनी का आगाज हुआ। देश भर से विभिन्न कला रूपों की प्रदर्शनी के साथ साथ एक पैनल चर्चा भी हुई। शांति निकेतन शिक्षा शास्त्र और हिमालयी इलाके के संदर्भ में कला शिक्षा के विषय और समकालीन कला अभ्यास पर इसके प्रभाव पर यह चर्चा थी। प्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर पारुल दवे, अमृता गुप्ता, मवांग लुवांग, डॉक्टर राजकुमार मजिंदर और डॉक्टर वसीम मुश्ताक ने इस अवसर पर लोक कला प्रेमियों को संबोधित किया। मैं भी हूँ वहाँ पर, 1990 से 97 तक पढ़ाई भी किया था, तो 2019 में कला भवन का 100 ईयर्स विश्वभारती यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेशन हो रहा था, पर COVID-19 के कारण ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए उस समय। फिर बाद में ललित कला में भी हुआ है सेंटेनरी शो, तो उसी समय मैं कुछ ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट्स है जो मतलब नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो उनके साथ ऐसी बात कर रहे थे कि ऐसे छोटा लेवल पे कुछ हो सकता है कि नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम लोग देखा कि एक लैंडस्केप का एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है जो जुड़ रहा है ये पूरा जियोग्राफी को, तो उसी हिसाब से हिमालयन टेरेन का इमर्जेंस हुआ जो प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए। पहला एक इंडिजिनस जो है हमारा आर्ट एजुकेशन का सिस्टम है, इससे पहले हमारा यूरोपियन जो सिस्टम था वही चल रहा था, और कहीं अफसोस की बात है कि अभी भी कहीं जगह वही यूरोपियन सिस्टम चल रहा है। हाँ, जो बिल्कुल एकेडमिक रियलिज्म था वही सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने उस टाइम रेजिस्ट किया इस इम्पोजिशन को, है ना, ये कॉलोनियल इम्पोजिशन थी, तो उन्होंने अपना एक नया, तो पेड़ के नीचे जो सुना होगा आपने क्लासेस होती थी और नेचर के नो क्लोज कंटेक्ट में क्लासेस होती थी, और हमारे जो अपने जो इस सब कॉन्टिनेंट के जो ट्रेडिशन है उससे जुड़ के काम होता था। ऐसी एग्जीबिशन जब होती हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये आर्टिस्ट जो है सिर्फ रंगसाज नहीं है, जिनका काफ़ी बड़े लेवल पे भी यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये एग्जीबिशन होती रहें, तो आई होप कि हम तो चाहते हैं कि अभी ये एक हुआ है तो नेक्स्ट भी होगा। इसमें काफ़ी सारा जैसे हमारे स्टूडेंट्स से काफ़ी इनिशिएटिव लिया है जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, ये एग्जीबिशन अगर आज यहाँ पे लगा है तो उनको काफ़ी हेल्प किया उन्होंने, और यूर आर्ट फाउंडेशन है इन्होंने, फिर ये आर्काइव वाले हैं, इन्होंने हमें स्पेस दी, उनका भी हम थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमें स्पेस दी और ये सब यहाँ पे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और राज्य के कन्या मध्य विद्यालय थेसगाम संकू में कक्षाएं नहीं लगने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में नर्सरी से सातवीं कक्षा तक के कुल 90 छात्र हैं, लेकिन इनके लिए दो ही क्लासरूम हैं। इस कारण बच्चों को पढ़ने और शिक्षक को पढ़ाने में मुश्किलें आ रही हैं। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की मांग की है।
मुश्किलात का तो अब क्या बोलूं सर, देखो आप खुद देख सकते हैं यहाँ एक ही कमरे में जब कोई मौसम ख़राब हो जाता है, जब बारिश पड़ता है, तो हम इन सारे बच्चों को अंदर तो ऑलरेडी रहना पड़ता है, तो उस वक्त हम पढ़ाते हैं हम बच्चे शोर करके, बच्चों को भी इतना मुश्किल होता है कि वो अंडरस्टैंड ठीक तरह नहीं कर सकता है, ना हम ठीक तरह पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी हमें तो कुछ कोशिश करके कुछ ना कुछ तो करना है सर, क्योंकि ऐसे तो डिफाउ तो नहीं करना है। इसलिए हम बच्चों को जब मौसम ख़राब हो जाता है, जब सर्दी का मौसम आ जाता है, जब ज़्यादा ये गर्मी भी पड़ जाते हैं, तो भी मुश्किल होते हैं बच्चे यहाँ बाहर। डोडा के पहाड़ी जिले के पिछड़े परिवारों के 30 छात्रों का एक समूह नए संसद भवन का दौरा करने वाला पहला समूह बन गया है। भारत दर्शन यात्रा से लौटे छात्रों के लिए सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन मुख्य सरना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच इन छात्रों ने नए संसद भवन का दौरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। छात्रों ने अपने दौरे में कई ऐतिहासिक स्मारकों को भी देखा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम न्यू पार्लियामेंट में सबसे पहले सर स्टूडेंट्स रहे सर, जो उधर विजिट किए सर। जब हम उधर गए अंदर तो सर उन्होंने कहा हमें कि आप फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर जो न्यू पार्लियामेंट में विजिट कर रहे हैं, तो सर हमें उस बात को ये सुनकर बहुत सर खुशी हुई कि हम ऐसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं सर जो उधर विजिट किए। पहली दिल्ली से बाहर की जो पहली स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट हो जो पहली बार विजिट किया, सबसे पहले विजिट किए, और हमें बहुत खुशी हुई। और न्यू पार्लियामेंट की एक और बात है कि 1947 के बाद जो है पहली बार किसी ने न्यू पार्लियामेंट पहली बार किसी ने एक और पार्लियामेंट बनाया, वो भी इतिहास में जारी है। रिसेंटली जो इनॉग्रेट हमारा पार्लियामेंट हाउस हुआ है, तो उसको फर्स्ट टाइम अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कहूँगा या किसी ज़िला या किसी तहसील के स्टूडेंट्स ने देखा होगा, तो हमारे स्टूडेंट्स होंगे भद्रवाह के, जो बेरलू बाला और बलेसा के बच्चे उसमें शामिल थे। हमने आज तक नहीं देखी, मतलब वो जो नया पार्लियामेंट हाउस आप लोग देख के आए हैं, वो आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा और आप लोग देख के आए, ये बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ साथ आपने हिस्टोरिकल चीज़ें देखी। आगे बढ़ेंगे खबरों में, और कश्मीर में शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति को संपदा विभाग ने सरकारी आवास खाली करने को कहा है। 19 साल के इरफान रमजान, जिन्होंने एक आतंकवादी हमले में अपने पिता को खो दिया था और 2017 में उनके घर को आग लगा दी गई थी, उन्हें हमलावरों से लड़ने के लिए उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी माँ के नाम पर जारी नोटिस में लिखा गया है कि उन्हें आवंटन आदेश प्राप्त करना है या छोड़ना है। इरफान का कहना है कि सैनिक स्कूल मनसबल में उनकी स्कूल फीस 1,00,000 से ज्यादा जमा हो गई है और पिछले 1 साल से उन्हें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ताजा क्या कहा है? ताजा अभी बना रहे अलॉटमेंट तो, अब मैं जाऊंगा परसों तो देखूंगा क्या कहेंगे। अरे ये एक बात जो आपके एजुकेशन को लेके भी आ रही है कि फीस आपसे मांग रहे हैं, वो क्या मामला है? सर फीस मैंने उतना नहीं सोचा था रखेंगे इतना फीस, 1,20,000 मांग रहे हैं। तो कौन? स्कूल वाले। कौन से? म्यूनिसिपल सैनिक स्कूल वाले सर। वो क्या आपकी तब जब एडमिशन किया था तब फ्री बोला था? सर तब मुझे ऐसे पता नहीं, मैं ऐसे ही गया था थ्रू, उसने किया था बोला एडमिशन कराओ वहाँ, तो मैं ऐसे ही गया था। फिर मैंने दिया था उनको कुछ एडमिशन फी, फिर मुझे नहीं पता था इतना फीस होगा। तो अभी आपने 12th दिया है, अभी क्या कह रहे हैं आपसे कितना फीस है बाकी? सर 1,20,000। 1,20,000 जी सर, यही कुछ होगा। स्कूल वाले जी सर। तो आपकी आपने सर्टिफिकेट लाई अपनी डीसी, क्योंकि आपने 12th दे दिया? सर उन्होंने कहाँ दी, अभी नहीं दिया मैंने सर्टिफिकेट। 12th का रिजल्ट आ गया होगा ना आपका? जी सर वो मैंने देख लिया, रिजल्ट मैंने देख लिया। कब? कल। नहीं सर नहीं, आपका साल, आपका तो पिछले साल। जी सर पिछले, मतलब पिछले साल से अभी आपने वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लाई? नो सर। क्यों? मैं गया था एक बार, उन्होंने नहीं दी तो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ऐसे फीस क्लियर कर लो। कितना है फीस? 1,20,000। 1,20,000। तो इस वजह से आपकी अभी सर्टिफिकेट वही है, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? जी सर। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसको हम? जी सर वो अभी वहीं पे। 1 साल से? जी सर। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? सर कह रहे हैं ऐसे फीस भर लो, तो हम जाऊंगा परसों देखेंगे क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिया तो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज श्रीनगर के गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में प्रख्यात स्टोन आर्टिस्ट मंजूर भट्ट की कला को प्रदर्शित किया गया। पत्थर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बनी खूबसूरत कलाकृति उन्होंने बनाई है। मेरे ख्याल से तो डिपार्टमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, जब तक डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। सर, मेरा आर्ट आप खुद ही देख रहे हैं। मेरे आर्ट के लिए पहले ट्रैकिंग रूट्स पे जाना पड़ता है, जैसे सोनमर्ग है या लद्दाख है, या यहाँ से जो ट्रैकिंग रूट्स आ रहे हैं, गंगबल है, तारसर मारसर है, विष्णु सर है, गहरसर है, तो इन जगहों से मैं स्टोनों की कलेक्शन करता हूँ। तो वहाँ से आके इनको फिर सफाई करनी पड़ती है, कौन सा स्टोन लगता है कौन नहीं लगता है, फिर उसके बाद क्रश करना होता है। तो उसके बाद क्रश करके इनको धोना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर जो डस्ट लगी होती है क्रश की वजह से, तो वो उठानी होती है। उसके बाद सुखाना पड़ता है, उसके बाद एक प्ले बोर्ड हम लाते हैं जो इजीली मिलता है मार्केट से, तो उस पर हम ग्रैपिंग करते हैं। कुछ भी बनाना हो, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे कोई, उस पर ग्रैपिंग करते हैं पेंसिल से, उसके बाद स्टोन बोर्ड पर चढ़ते हैं। लेकिन वन टाइम में नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि इस पर एक एक इंच करके काम करना पड़ता है। जी, मैं वेलकम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है उनको मैंने बहुत यहीं से इंसिस्ट किया है कि आप आइए और ये सीखिए आर्ट, लेकिन इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो कोई टिक नहीं पा रहा है, इसकी वजह से कोई टिक नहीं पा रहा है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये ऐसा काम नहीं है कि कैनवास लाया, कलर लाए मार्केट से, ब्रश लाया, उठाया और किया, इसमें टाइम लगता ही है। जी, अभी तो प्रोजेक्ट्स बहुत है दिमाग में, देखेंगे जो भी दिमाग में होगा वो मार्केट में उतारेंगे। जी, आर्ट जो आर्ट आर्टिस्ट जो भी है, मैं हर किसी की कदर करता हूँ। मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो जो भी कोई आर्ट बना रहा है वो अपनी नज़रिया से बना रहा है। अब देखने की पहचान होनी चाहिए कि कौन किस नज़रिया से आर्ट को देखता है। मेरा आर्ट वैसा नहीं है, मेरा आर्ट तो ये खुद बोलता है कि मैं क्या हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिला कांगड़ा के माँ चामुंडा मंदिर के पास बनेर खड के किनारे मृत मिली युवती की पहचान पुलिस ने कर ली है। युवती पंजाब के लुधियाना की रहने वाली थी। युवती की पहचान खुशप्रीत कौर के तौर पर हुई है। युवती के परिजनों ने धर्मशाला पहुंचकर शव की शनाख्त करते हुए अपने साथ उसे ले गए हैं। यह हादसा बीते बुधवार को माँ चामुंडा मंदिर में बनेर नदी के किनारे हुआ था। स्थानीय लोगों ने युवती का शव पड़ा देखा, मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। युवती के पास से ऐसा कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे युवती की शनाख्त हो सके। पुलिस को सिर्फ कुछ बस के टिकट मिले थे, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए युवती की पहचान की। चलिए आगे बढ़ेंगे। और शिमला में पर्यटन स्थल कुफरी में एक नाबालिग युवती के साथ टैक्सी ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता मुंबई की रहने वाली है। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार अप्रैल माह में पीड़िता अपने परिवार सहित शिमला घूमने आई थी। परिवार ने घूमने के लिए हरियाणा नंबर की टैक्सी हायर की थी। टैक्सी चालक घुमाने के बहाने रात को नाबालिग को अकेला पाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़िता का परिवार वापस मुंबई पहुंचा तो उसने मामले का खुलासा किया। इसके बाद मुंबई के गोरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। वहां की पुलिस द्वारा 0 FIR के तहत मामला ठियोग स्थानांतरित किया गया। ठियोग पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर IPC की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल में गाड़ियों के VIP नंबर लगवाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बात का पता इस बात से चलता है कि परिवहन विभाग ने 195 गाड़ियों के नंबर नीलाम किए हैं और ये नंबर 1,04,70,500 रुपए में बिके। सोलन जिले में एक व्यक्ति ने HP12 Q00008 नंबर के लिए 8,10,000 रुपए चुकाए, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन बोली में फर्जी बोली लगाने का मामला भी सामने आया था। मगर अब फर्जी बोली लगाने वालों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। विभाग ने ई ऑक्शन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया है। अब नंबर के लिए बोली लगाने वालों को तय बोली की 30% रकम सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी। अगर बोली जीतने के बाद वो व्यक्ति नंबर नहीं लेता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी। डिप्टी CM ने बताया कि नई प्रणाली पूरे तरीके से पारदर्शी है। वाहनों की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियां के जो नंबर की रजिस्ट्रेशन है, वो
ई ऑक्शन प्रणाली जो है जो चल रही थी और उसमें जो है लोग जिस तरीके से भारी भरकम बोलियां लगा के फिर नंबर लेने नहीं आते थे और विभाग को के साथ फरेब कर रहे थे या जो है प्रणाली की कमियों का फ़ायदा उठा के कोई मजाक कर रहे थे, हमने उसके लिए जो है नई प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे और ई ऑक्शन प्रणाली अब पूरी तरह से तैयार है और उसने काम करना शुरू कर दिया है और संशोधित जो हमारी प्रणाली है वो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रही है। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगार वेटनरी फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश सचिव निखिल चौहान ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा वेटनरी फार्मासिस्ट के पद हेतु कमीशन लिया गया था, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के बंद होने से उसका परिणाम नहीं निकल सका। संघ ने कहा कि प्रदेश में पंचायत वेटनरी सहायक के 271 पद खाली चल रहे हैं जिनको अभी तक भरा नहीं गया है। संघ ने सरकार से खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। जी, आज हमने एसडीएम ज्वाली के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू जी को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें हमने मुख्य रूप से उनसे तीन मांगें की हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है कि जो एचपीएससी द्वारा हमारा कमीशन आयोजित किया गया था जिसकी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई थी आधी, परंतु वो किसी लीक के वजह से वो बंद हो गया बोर्ड, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि उस कमीशन के रिजल्ट को जल्द से जल्द निकाला जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि जो 271 पंचायत वेटनरी सहायकों के पद खाली चल रहे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द भरे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो 349 नई पंचायतें हैं जो कि पिछली सरकार में जो फाइल कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो पाई, सरकार उसमें उसको अप्रूवल दे के 349 पंचायतों में जल्द। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।